डीसी के तीन कैरेक्टर्स जो थॉर का हथौड़ा उठा सकते हैं। नंबर वन तुम्हें बिल्कुल भी शॉक नहीं करेगा, बिकॉज तुम्हें पता है कि नंबर वन पे कौन है। बट नंबर थ्री बिली बैटसन, एक ए शज़ाम। अब बिली को शज़ाम की पावर इसीलिए मिली थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा साफ दिल वाला बच्चा था। और म्योनीर भी तो यही मांगता है कि तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, तुम्हें खुद पे यकीन होना चाहिए कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। नंबर टू एलन स्कॉट, एक ए फर्स्ट ग्रीन लैंटर्न। एलन स्कॉट पूरी ग्रीन लैंटर्न प्रजाति का पहला ग्रीन लैंटर्न था, तो वो म्योनीर को लिफ्ट कर सकता है। ग्रीन लैंटर्न की रिंग भी तो विल पावर पे ही काम करती है कि अगर तुम्हें खुद पे यकीन है तो तुम कुछ भी बना सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ग्रीन लैंटर्न थॉर का हथौड़ा उठा सकता है। ऐसा क्यों, ये मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में समझाता हूँ। एंड नंबर वन एज ऑलवेज सुपरमैन। और ये मोमेंट तो सबको ही पता होगा जब मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर में सुपरमैन ने थॉर का हथौड़ा और कैप्टन की शील्ड उठाई थी। बट मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि क्या सुपरमैन की सोल बैलेंस्ड होगी।